तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 मई 2019 को हुए आरआरबी जेई की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो फ्रेंड्स आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा आपको दिल्ली पूछा जा सकता है, तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। सूरत फ्रेंड्स तापी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आर्टिकल 336 से एक प्रश्न पूछा गया है, तो आर्टिकल 336 जो है फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन से संबंधित है। फ्रेंड्स, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो 12 होते हैं, और लोकसभा में फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन जो होते हैं 2 होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत में कौन से खेल की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कई बच्चे भारत में कौन सा खेल की शुरुआत हुई तो हॉकी आंसर लिख देंगे, लेकिन ये उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, भारत में कबड्डी की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे, तो फ्रेंड्स फर्स्ट इंडियन जो है स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा, और अगर महिला पूछे आपको तो याद रखना है सुनीता विलियम्स, आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि स्टेट गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो फ्रेंड्स स्टेट गवर्नर का कार्यकाल होता है 5 साल का, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थ में सबसे ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन ए पूछे तो आपको गाजर याद रखना है, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, और विटामिन डी फ्रेंड्स अपने को सूर्य की किरणों से मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का पूछा है या फिर वर्ल्ड का, ये कुछ आया नहीं है फ्रेंड्स, बराबर बच्चों ने भेजा नहीं है। तो आप याद रखें कि फर्स्ट सैटेलाइट जो है आई थिंक इंडिया का ही होगा, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया है आर्यभट्ट, आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा था आलमगीर किसे कहा गया, तो फ्रेंड्स आलमगीर जो कहा गया है वो औरंगजेब को कहा गया है। और विटामिन ए से फ्रेंड्स प्रश्न था किस में ज़्यादा होता है, तो वो गाजर में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था के नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में सब नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं 18, और आवर्त जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं कुल 7। फ्रेंड्स इनको कहते हैं ग्रुप, ये सारे जो है इन्हें कहते हैं ग्रुप, और इसे कहेंगे आवर्त। तो आवर्त कुल 7 होते हैं, और ग्रुप जो होते हैं कुल 18 होते हैं। 18वें नंबर के ग्रुप को फ्रेंड्स कहते हैं नोबल गैस कहते हैं या शून्य ग्रुप भी कहते हैं, और 17 नंबर का फ्रेंड्स हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ये आप याद रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि काउंटिंग फिगर से दो प्रश्न पूछे गए ट्रायंगल और स्क्वायर के। तो जैसे कि फ्रेंड ट्रायंगल ये दिया होगा आपको, पूछेगा इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1, 2, 3 इसको टोटल कर देना है, 1 + 2 + 3। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कुछ ट्रायंगल, तो इसमें फ्रेंड्स कितना ट्रायंगल है आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, और फ्रेंड्स स्क्वायर में कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि ऐसे आपको बना के दे देगा, पूछेगा इसमें कितने स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके उनका टोटल लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, तो फ्रेंड्स सोनार से समुद्र की गहराई को मेजर किया जाता है। बेसिलस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, तो फ्रेंड्स बेसिलस बैक्टीरिया का आकार होता है राउंड शेप। इसके अलावा पूछा गया था फ्रेंड्स तेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो फ्रेंड्स तेलिया जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली जो केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ये सारे आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछा गया था फ्रेंड्स जोकोविच कहाँ से है, तो जोकोविच जो है फ्रेंड्स सर्बिया से है, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कैपिटल ऑफ नेपाल, तो कैपिटल ऑफ नेपाल है काठमांडू, आपको इसकी करेंसी याद रखनी है रुपया है, और इसके प्रेसिडेंट और सीएम का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो राजा राम मोहन राय ने करी। आर्य समाज की पूछे तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तन के कारण होता है, और फ्रेंड्स आपको एक वक्रता त्रिज्या पे भी एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी की वक्र लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दी थी, तो उसकी फोकस दूरी बताओ, तो आपको कुछ नहीं, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 कर दोगे तो आपका फोकस दूरी आराम से आ जाएगा, यानी 10 / 2 तो 5 सेंटीमीटर आपकी
फोकस दूरी आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मेटल और एसिड को मिलाने से क्या मुक्त होगा, तो फ्रेंड्स मेटल और एसिड को आप जब मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, तो फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2। इसके अलावा आप फ्रेंड्स वॉशिंग सोडे का भी फॉर्मूला याद रखिए, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है फ्रेंड्स Na2CO3 10H2O। इसके अलावा खाने के सोडे का फ्रेंड्स NaHCO3। और फ्रेंड्स खाने के सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड मिलाओगे तब खाने का सोडा मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है जिप्सम का CaSO4 × 2H2O, इसका नाम है फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस में फ्रेंड्स आपको हाफ कर देना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच फ्रेंड्स 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था SICI से दो प्रश्न पूछे गए थे, फ्रेंड्स SICI से दो प्रश्न पूछे गए टाइम एंड वर्क से फ्रेंड तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पाइप सिस्टम से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन पूछे गए आज के शिफ्ट में, और मेंसुरेशन से फ्रेंड्स दो प्रश्न पूछे गए, और रीजनिंग में फ्रेंड्स जो राउंड टेबल जो होता है फ्रेंड्स वृत्त में केंद्र की ओर मुंह रख के बैठे हैं कुछ इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा सिलोरिज्म के फ्रेंड्स दो क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज के तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के फ्रेंड्स दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।